नवा साल माते छह राज्यों ने मिलिया लाइट हाउस प्रोजेक्ट का तोहफा। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत प्रधानमंत्री राखी प्रोजेक्ट की बुनियाद। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण का 696 नवा मामला आया सामने। एक ही दिन में 957 और रोगी हुआ ठीक। केंद्र सरकार सगड़ा राज्य ने कोरोना री वैक्सीन खातर तैयार रहा दिया निर्देश। काल सु देश में होवेलो ड्राई रन। जयपुर जिला में ड्राई रन रा 4 अस्पताल कराया चिन्हित। नुआ साल रा पहला दिन लोग भात भातसू करी दिन री शुरुआत। कई लोग मिंदरा माए करिया भगवान रा दर्शन। राज्यपाल कलराज मिश्र मोती डूंगरी गणेश मंदिर माए करी पूजा अर्चना। प्रदेश माए कड़ाकारी सर्दी रो दौर जारी। चूरू माए पारो जमाव बिंदु रे नीचे। मौसम विभाग कई ठोरा माथे जताई बिरखा एर ओला बरसने री आशंका। नमस्कार, नुआ साल री हार्दिक शुभकामनाओं के साथ है दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब है विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश का 6 राज्यों का 6 शहरों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत हल्का मकान से जुड़ी परियोजना की आधारशिला राखी। एनएचपी रा निर्माण मध्य प्रदेश रा इंदौर, गुजरात रा राजकोट, तमिलनाडु रा चेन्नई, झारखंड रा रांची, त्रिपुरा रा अगरतला, उत्तर प्रदेश रा लखनऊ माए कराया जा रहा है। इन योजना के तहत हर शहर माए बुनियादी सुविधा समूह बढ़िया रा 1000 मकान बनाया जा रहा है। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि यह प्रोजेक्ट देश माए हाउसिंग कंस्ट्रक्शन ने नई दिशा दिखावेला। लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलिएंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण का 689 नवा मामला सामने आया। इन दौरान राजधानी जयपुर में सबसे बता 129 संक्रमित मिलिया। इनसुनियारे जोधपुर में 109, कोटा में 64, नागौर में 46 नवा संक्रमित पाया गया। इन बीच कोरोना से 7 और लोगों की मौत होबारे साथ है इन बीमारी से हाल तक 2696 लोगों की जान जा चुकी है। दूजे कानी काल एक ही दिन में 957 नवा रोगी इन महामारी से ठीक भी होया। हालांकि हाल प्रदेश में कोरोना का सक्रिय मामला 9560 मौजूद है। केंद्र सरकार सगला राज्य ने कोरोना री वैक्सीन खातर तैयार रहवारा निर्देश दिया है। इनके तहत काल सु पूरा देश में ड्राई रन हुआला। सगला राज्य री राजधानी में कम से कम 3 ठोरा माथे वैक्सीनेशन री गतिविधि आयोजित करवारा प्रस्ताव है।
जिन तीन जगहों पर टीकाकरण होगा वहां संबंधित मेडिकल ऑफिसर 25-25 हेल्थ केयर वर्कर्स की पहचान करेंगे जिनको टीका लगाया जाएगा। राज्यों से कहा गया है कि वे इन लोगों का डेटा कोविन में अपलोड करें। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण की जगह पर स्थान की पर्याप्त उपलब्धता, जरूरी सामानों की व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वैक्सीन के बारे में किसी भी जानकारी के लिए राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 104 यानी 104 शुरू की जा रही है। क्लिनिकल ट्रायल्स आल्सो क्रॉस मोर देन 26,000 मेंबर्स। द फेज 3 इज सक्सेसफुल ऑलमोस्ट। सो हेंस वी नीड टू इंट्रोड्यूस टू द कॉमन पीपल बाय द मंथ ऑफ जनवरी। हेंस द गवर्नमेंट ICMR DCGI एंड अदर और इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एवेल्यूएट द वैक्सीन सक्सेसिबिलिटी। I think there is a sufficient enthusiasm now amongst all the healthcare workers and scientists that we can do it. We should trust the scientists. There is a body of scientists which is looking at all the data. So when the vaccine goes for approval to the drug controller has a subject expert committee. जयपुर जिला में कोविड वैक्सीन खातर काल ड्राई रन वाला इन खातर चार शफाखाना तय कर दिया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि जिला में जेकोलोन अस्पताल जयपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अचरोड, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनी पार्क और मणिपाल अस्पताल में यो रन वेला। वे बतायो कि सगली जगह 25-25 लोगों ने इन रन खातर बुलायो जा रही है। रन रहते हैं सगली व्यवस्था और पूर्वाभ्यास वालों। राजस्थान भारत देश के अंदर कोविड पेशेंटों को राहत के लिए वैक्सीनेशन का जो ये दौर शुरू हुआ है इसके तहत जो हमारे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जाना है उससे पहले एक ड्राई रन का हमने भारत सरकार के निर्देशानुसार कल एक उसका आयोजन सभी राजस्थान में भर में किया जा रहा है। फिर हमारे यहाँ पर जहाँ पर ये जो जहाँ भी तीनों जगह चारों जगह हैं वहाँ हमने तीन जो रूम सेट किए हैं, एक जिसमें पहले वेटिंग एरिया होगा वहाँ बैठाया जाएगा, जहाँ हमारा जो एक बार जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो अपना अपना मोबाइल लेके जो कोविन पोर्टल है उससे लॉन करेगा। लॉन करने के बाद उसको उसमें सारी जानकारी बढ़ने के उपरांत उसे वैक्सीनेशन रूम में भेजा जाएगा, जहाँ हमारे दो वैक्सीनेटर होंगे, जहाँ उन्हें वैक्सीन का पूरा हमारा वहाँ ट्रायल किया जाएगा, जिस तरह से दिखाते हैं उस तरह सारी कोशिश दिखाई की जाएगी। उसके पश्चात उसके बाद उनको हम बगल में जो ऑब्जर्वेशन रूम है वहाँ पर ले जाएंगे। वहाँ डॉक्टर हमारे और जो हमारे चिकित्सा कर्मी मौजूद होंगे, जहाँ पर हमारे पर एनाफाइलाइट किट भी मौजूद होगा। 30 मिनट तक पेशेंट को उस व्यक्ति को बैठाया जाएगा, उसके बाद उसको वहाँ से छोड़ा जाएगा। ये इस तरह से ये इसलिए किया जा रहा है कि जब हमारे पास वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जब शुरू किया जाएगा तो हमको उससे पहले मालूम चल जाए कि हमें कैसे तरह की तैयारियाँ पूरी करनी है, इसलिए हम ये तैयारी करने जा रहे हैं। नया साल 2021 रा पहला दिन लोग बाग आप अपना तरीका सुन दिन री शुरुआत करी। कई लोग मिंदरा माए भगवान रा दर्शन करया। राज्यपाल कलराज मिश्र नुआ साल रे मौके आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर माए भगवान गणपति रे दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इन मौके राज्यपाल कलराज मिश्र परिवार समेत भगवान गणेश जी री पूजा अर्चना कर प्रदेश से खुशहाली री कामना कीनी और प्रदेशवासियों ने नव वर्ष री शुभकामना दीनी। वे लोगों से कोरोना संकट रे इन टेम मास्क लगावा और सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करवारी अपील करी। आज मैं गणेश जी का दर्शन करके पूरे प्रदेश और देश को शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि विनायक जी के कृपा से पूरा देश प्रदेश कोरोना से मुक्त हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, नौ वर्ष सबका मंगलमय हो। क्योंकि वर्ष का आज प्रारंभ है इसलिए मैं यहाँ दर्शन करने आया और विनायक से प्रार्थना किया है कि भविष्य का जीवन सबका सुखमय हो और आगे बढ़ने वाला हो। मैं सबको आपके माध्यम से मंगलमय कामना करता हूँ। मोती डूंगरी रा गणेश जी रा साथ है जयपुर रा आराध्य देव गोविंद देव जी रा मंदिर माए दर्शन खातर कई लोग सुबह सुहाने दर्शन खातर पुग्या। इन मौके लोग कहा कि 2020 कोरोना संकट से गुजरो है, नौ साल लोगों खातर खुशहाली लेर आवेलो। मोती डूंगरी गणेश मंदिर रा महंत कैलाश शर्मा रा सानिध्य माए पुष्य पंचामृत अभिषेक करियो गयो।
वह कहो कि पुष्य नक्षत्र माखे भगवान गणेश ने नई पोशाक धारण करा फूल बंगला में विराजमान कराया गया है। भक्तजनों को नववर्ष की मंगल कामनाएं, गणेश जी महाराज का बहुत बहुत आशीर्वाद, सबके ये मंगलमय हो। आज पुख नक्षत्र है, नववर्ष है, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। 2021 बहुत बढ़िया निकल, गणेश जी के दर्शन करने से बहुत बढ़िया निकलेगा। 21 का साल है, इसलिए हम गणेश जी का बहुत सबका आशीर्वाद प्राप्त है और जन कल्याण के लिए सबके लिए खुशी रही है। 2020 तो खराब निकला, कोरोना से सभी लोग परेशान रहे, पर 2021 कैसा निकलेगा, इसी शुभाशीष और मंगल कामना के लिए हम गणेश जी के दर्शन करने आए हैं। इस साल की शुरुआत गणेश जी के दर्शन करके गई है, क्योंकि कहा जाता है कि गणेश जी प्रथम पूजनीय है, तो उनके दर्शन करना तो बनता था। हमारा 2020 हम सब जानते कैसा गया है, पूरा देश मतलब आक्रोश मंदी जो भी देखा जाए बहुत 20, तो हम चाहते हैं कि 2021 की शुरुआत बहुत अच्छे से हो। श्री गंगानगर जिला में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे बीएसएफ रा जवान के कार्टर नयो साल मनायो। इन दौरान बीएसएफ रा डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह जवाना ने हौसला अफजाई करी। इनसे पहले डीआईजी सिंह बॉर्डर माथे 140 किलोमीटर बिना रुकिया कड़ाकारी ठंड में पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था रो जायजो लियो। आज हमें ये तीसरा दिन है, बीकानेर सेक्टर जो है हमारा बॉर्डर जो है, हमने ये जर्नी स्टार्ट करी थी सांचू से। सांचू जो एक हम लोग सीमा दर्शन के नाम पे नई जो है टूरिस्ट बॉर्डर आउटपोस्ट को डेवलप कर रहे हैं, और वहाँ से हमने हमारी जर्नी स्टार्ट करी थी कैमल्स के ऊपर, फिर फुट पेट्रोल, और उसके बाद में साइकिल के ऊपर। तकरीबन 160 किलोमीटर की ये जर्नी हमारी जो है बॉर्डर के साथ साथ फेंसिंग के साथ साथ रही। इस दौरान हमने हर एक जवान से बात करी, उनको मोटिवेट किया, और जवान भी बहुत ही उत्साहित थे। इस दौरान जिस एरिया से हम गए हैं वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, वहाँ के कमांडेंट्स थे, सीनियर ऑफिसर्स थे, वो सारे हमारे साथ थे, अपने अपने एरिया में वो हमारे साथ चलते रहे। और अभी लास्ट में हम यहाँ आए हैं बीओपी कैलाश, जो कि 104 बटालियन का एरिया है, हम यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे हमारे कमांडेंट गिरी साहब हैं और उनकी टीम यहाँ। अभी फाइनली हम यहाँ पे, ये हमारी जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है, और यहाँ पे हम जवानों के साथ फेंसिंग पे जहाँ पे हमारे जवान ड्यूटी कर रहे हैं उनके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने उनके साथ केक काटा और उनके उनका उनका उनको उनको हौसला दिया, उनको तारीफ करी कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, देश की रक्षा कर रहे हो। जोधपुर में रह रिया हिंदू पाक विस्थापिता ने बीत्या एक बरस में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत 636 लोगों ने भारतीय नागरिकता मिली है। जिला प्रशासन कोरोना महामारी लॉकडाउन के बावजूद इतना लोगों ने भारतीय नागरिकता देर अनुकरणीय काम करया है। पाक विस्थापित भारतीय नागरिकता मिलवा माते केंद्र सरकार रो आभार जतायो है। पाक विस्थापितों को नागरिकता को लेकर हम सतर्क हैं। 1/10/18 से लेकर अब तक हमारे पास 1809 लगभग आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। उनमें से 636 को हमने सीजी जारी कर चुके हैं। 131 की से हमारे लेवल से कार्यालय से स्वीकृति जारी करके हमने आगे भेज दी है, जो पाक उच्चायुक्त में पेंडिंग है। इस प्रकार से 767 को हम दे चुके हैं, और इस वर्ष लगभग हम 346 पाक विस्थापितों को नागरिकता दे चुके हैं, और प्रत्येक चीज़ की सूक्ष्म तरीके से जांच करवा के और अलग अलग तरीके से रिपोर्ट आती है, तो टाइम पीरियड में हम करने का प्रयास कर रहे हैं। विस्थापितों का जो सिलसिला जिस तरह से माइग्रेशन हो रही है पिछले काफ़ी सालों से, तो मोस्टली जिस तरह से मोदी सरकार आई है 2014 में, उसके बाद माइग्रेशन का जो रेशो है बहुत ज़्यादा हुआ है। जो भी मोदी जी ने, गवर्नमेंट ने जो नागरिकता का किया है वो बहुत ही अच्छा किया, हमें बहुत खुशी है, और जो भी कुछ कर रहे हैं गवर्नमेंट माई बाप वो बहुत हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। सरकार का धन्यवाद कहना मैं चाहता हूँ। सीकर में संप्रेषण गृह और किशोर सुधार गृह केंद्र में मनुष्य गृहवा मनुस्मृति संस्थान का निशु पालना गृह शुरू करो गयो है। इन मौके आयोजित एक जलसा में सांसद सुमेधानंद सरस्वती कहा कि इन में बेसहारा नवजाता ने पालन पोषण करो जावलो। लोगों से अपील करी जी है कि बेसहारा नवजाता ने सुरक्षित पालना केंद्र माथे पुगावे। निसंतान दंपतिया ने निश्चित प्रक्रिया रे पाछे उन टाबरा ने गोद दियो जावेलो। नया साल सबके लिए मंगलमय हो। आज यहाँ इस सीकर के बाल संप्रेषण गृह में
हमारे ज़िले की समाज सेवी बहन दुर्गा जी ने अपने पति मनसुख जी रणवा के जन्म दिवस के अवसर पर इस संस्था को एक पालना गृह बना करके भेंट किया है। उस पालना गृह का उद्घाटन था और मैं समझता हूँ कि अन्य सभी लोगों को भी जो सामर्थ्य रखते हैं उनको बहन दुर्गा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरे पिताजी साहित्यकार मनसुख जी रणवा मनु जी की आज जयंती है और आज उनकी स्मृति में हमने पालवास रोड पर स्थित बाल संप्रेषण गृह में पालना गृह का निर्माण करवाया है, जहां पर जो कि लावारिस बच्चे यहां पर छोड़ सकते हैं। कोरोना टाइम में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 बांसवाड़ा जिला में कासा कारगर साबित हुई है। इनरे जरिए मुसीबत में फंसा टाबरारी 24 घंटा मदद करी जा रही है। वागधरा संस्थान रा जिला समन्वयक परमेश्वर पाटीदार बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन री टीम इन संकट काल में सराहनीय काम करता था का लोगों ने खाद्यान्न उत्पन्न करावारे साथ ही बीमार टाबरा ने जिला प्रशासन री मदद सु अस्पताल में उपचार दिलायो है। हमारा वागर रेडियो 90.8 FM वागधारा द्वारा यहाँ पे संचालित किया जा रहा है और उसके माध्यम से ही वागधारा के द्वारा यह चाइल्ड लाइन 1098 भी संचालित की जा रही है, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान हमारे द्वारा यहाँ पे जो भी पालनहार बच्चे हैं, उसके बाद में गुमशुदा बच्चे हैं, उस तरह के बच्चों को हमारे द्वारा यहाँ पे पोषण किट भी दिए गए हैं और उनको खाद्य सामग्री के पैकेट भी हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं और दिए भी गए हैं। लगभग हमने 15,000 के आसपास पैकेट हमने बच्चों को वितरण किए हैं। सबसे पहला उद्देश्य था कि हम गांव तक लोगों को जागरूक कैसे करें, कोरोना से कैसे बचाव करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सरकार की क्या क्या गाइडलाइन है जिनकी पालना करनी है, तो उनके ऊपर हमने लोगों तक मैसेज पहुंचाया और रेडियो के मार्फत भी काफ़ी सारे परिवारों की तरफ से हमारे पास सूचना आती थी कि इन परिवारों को इस तरह की तत्काल मदद की ज़रूरत है। तो उस जैसे हमारे पास सूचना रेडियो की टीम से हमारे पास आई तो वहाँ पे जो हमारी टीम है, हमारे यहाँ पे चाइल्ड लाइन की टीम है, इन्होंने तत्काल उन परिवारों तक पहुँच के उनको मदद मुहैया करवाई। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क माथे टोल प्रभार पूरी तरह से फास्टैग के माध्यम से लेबाने जरूरी करने की तारीख 15 फरवरी तानी बढ़ा देनी है। इनसे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल चार्ज नगद लेबारी व्यवस्था आज से पूरी तरह खत्म करबारी घोषणा करी ही। अब खासकर व्यवस्था के आधार पर हमने जो छोटी गाड़ियों हैं उनके लिए लेन निर्धारित कर दिया गया है, जिससे वो बड़ी गाड़ियों के बीच में फंसे नहीं। बड़ी गाड़ियों को हमने कहा है कि बाएं तरफ मीडियंस के साथ में चलें। इमरजेंसी व्हीकल के लिए जैसे पहले भी था, हमारे पास दोनों तरफ एक एक आउटर लेन अवेलेबल है, जो इमरजेंसी व्हीकल उनसे निकल सकती हैं सुविधापूर्वक, आसानी से, उनको कोई रुकावट नहीं होगी। NHI ने भी इसको और सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है माई फास्टैग ऐप, जो आपको आपके कार्ड के बैलेंस, आपके टैग के बैलेंस को इमीडिएट अपडेट करता है। आप लेन में ही अपने आप को बता सकते हैं, टोल प्लाजा को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि मेरा टैग एक्टिव है, वहीं आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, उस ऐप से आप नया कार्ड खरीद सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से उसको लिंक कर सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जयपुर शहर में संचालित होने वाला 15 साल पुराना कमर्शियल डीजल वाना माथे प्रतिबंध लगाया गया है। जयपुर का परिवहन अधिकारी राजेंद्र कुमार वर्मा बतायो कि जयपुर समेत प्रदेश का 5 शहर में बढ़ता प्रदूषण ने देखता थका NGT का आदेश के तहत रोक लगाई जा रही है। इन वाहन ने जयपुर के 12 चलाबा खातर NOC देबारी कार्रवाई करी जा रही है। जो 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहन है डीजल संचालित, तो NGT के आदेश से उन्हें जयपुर शहर से नगरपालिका नगर निगम सीमा है उसे बाहर किया जाना है। तो इनको 31 तारीख तक दिया गया था, तो अब देखते हैं कितने वाहनों ने NOC ली है और आगे जितने वाहन बचे हैं तो उनको एक्साइज करके और आगे क्या मुख्यालय का स्टैंड रहता है उसके आधार पर कार्यवाही करेंगे। जयपुर में लगभग 17,000 वाहन थे जिनमें से लगभग 3,000 ने NOC ले ली है यहाँ से बाहर जाने के लिए और बाकी के लिए जो यहाँ के ट्रांसपोर्ट यूनियन है तो माननीय मंत्री महोदय से मिले थे, तो मंत्री महोदय ने भी आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी है उनके अनुकूल, ताकि उनको कोई कोरोना काल में दिक्कत भी नहीं हो,
और समाधान भी हो जाए और उनका काम भी हो जाए, तो जो भी मध्यम रास्ता हो उसी हिसाब से। दौसा जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 माथे एलपीजी गैस से भरियो एक टैंकर पलट गयो। टैंकर रा पलटवा से एलपीजी गैस रो रिसाव होबा लाग्यो। सूचना माथे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान पुलिस बल रे साथे मौका माथे पुग्या, यातायात ने परिवर्तित करायो। सिविल लाइंस मोड़ है जहाँ पे हाईवे टच होता है, सिविल लाइंस चौकी है, उस जगह पे अचानक इंडियन कंपनी का टैंकर गैस का पलट गया है और अभी ड्राइवर मिला हुआ, संभवतः नशे में है ड्राइवर, और मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात करके ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। गैस लीकेज उस संबंध में श्रीमान कलेक्टर साहब से बात हुई और इंडियन कंपनी के अधिकारियों से बात की है, एनएच वालों से बात की, और मौके की कार्रवाई जो भी है सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला रा झंडावाली माए हुई बैंक डकैती सु क्षेत्र रा लोक सत्ता माए है। वड़ा पुलिस अधिकारी बैंक डकैती रा आरोपियों की तलाश माए जगह जगह छापामारी कर रही है। गौरतलब है कि लुटेरा कोई 12,45,000 रुपया बैंक रा सीसीटीवी डीवीआर ने भी साथ ले गया। फिलहाल लुटेरा पुलिस गिरफ्त से दूर है। चार व्यक्ति हथियारों से लैस होकर बैंक के अंदर घुसे और 12,46,000 रुपए लूट के यहाँ से निकल गए। जैसे कि मैंने बैंक कर्मचारियों से भी बात की, एक तो यहाँ कोई गार्ड पोस्टेड नहीं है और दूसरा हर बैंक कर्मी के पास एक बटन होता है जिसको वो सचेत कर सकता है, लेकिन उसका भी प्रयोग नहीं किया जा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी का बैंक खुद ध्यान एकदम नहीं दे रहे हैं। झुंझुनू माए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान रहते हैं, एक बार फिर जिला प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग का निशू नवाचार करता थका ऑनलाइन शपथ दिलाबारा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इनके तहत कोई एक महीना माए 2.5 लाख लोगों ने ऑनलाइन शपथ दिलाई जावेली। इन बीच जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैलेंडर रो विमोचन कराया। इन बीच जिला कलेक्टर बताया कि एनीमिया मुक्त झुंझुनू बढ़ावा खातर आज से शुरुआत करी जी है, जिन माए महिलाओं ने अच्छो पोषण देबा और हीमोग्लोबिन री कमी ने दूर करवा खातर आयरन री टेबलेट दी जावेली। व्यापक रणनीति बना ली गई है और हमारे जो अधिकारी हैं और हमारा जो स्टाफ है लगातार ऐसी महिलाओं का सर्वे करके और उन महिलाओं का हीमोग्लोबिन जिनका कम है उनका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। विभिन्न तरह की दवाओं के साथ साथ खाद्य सामग्री और आवश्यक और भी जो भी उपयुक्त होगा उनका इलाज कराने इसके लिए प्रयासरत रहेगा। प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी रो दौर जारी है। लोग शीतलहर और गलन भरी सर्दी से बचवा खातर कई तरह रा जतन करता हुआ देखा जा रहा है। मौसम महकमा रे मुजब आज माउंट आबू में पारो 0 डिग्री सेल्सियस माथे आ गयो, जबकि चूरू में -0.2 डिग्री तापमान दर्ज करो गयो। इनसु न्यारे पिराणी माए 1.5, श्रीगंगानगर माए 2.4, वनस्थली माए 4.5, बूंदी माए 4.6, बीकानेर माए 4.8, जैसलमेर सीकर माए 5 और राजधानी जयपुर माए 8.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करियो गयो। इन बीच मौसम महकमो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारे कारण जयपुर अजमेर झुंझुनू सीकर टोंक कोटा बूंदी और धौलपुर समेत कई ठोरा माथे बिरखा और ओलावृष्टि रिस आज जताई है। 1 जनवरी को राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है तथा अगले 24 घंटों में राजस्थान के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है। राव बात करा आपनी है दूजारी हिफाजतरी। कोविड-19 से बचाव खातर डीडी न्यूज का निशु एक खास अभियान चलाया जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना किन तरह हाल मास्क की वैक्सीन है और सबरी हिफाजत खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोविड 19 से बचाव खातर देश भर में सावचेती अभियान चल रहा है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर कई है एहतियाती उपाय। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चालवा से पहले आपने बता देवा कि डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषय माथे चर्चा आप माका यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माथे देख सको हो। खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DDNewsRajasthan ने फॉलो भी कर सको हो। और अब खास खास खबर एक बार फेरू। नुआ साल माथे छह राज्य ने मिलिया लाइट हाउस प्रोजेक्ट का तोहफा। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत प्रधानमंत्री राखी प्रोजेक्ट की बुनियाद। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण का 696 नुआ मामला आया सामने। एक ही दिन में 957 और रोगी हुआ ठीक। केंद्र सरकार सगला राज्य ने कोरोना री वैक्सीन खातर तैयार रेबारा दिया निर्देश। काल सु देश में हुआ ड्राई रन। जयपुर जिला में ड्राई रन रा 4 अस्पताल करिया चिन्हित। नया साल रा पहला दिन लोग भात भात सु करी दिन री शुरुआत। कई लोग मिंदरा माए करिया भगवान रा दर्शन। राज्यपाल कलराज मिश्र मोती डूंगरी गणेश मंदिर माए करी पूरा अर्चना। प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी रो दौर जारी। चूरू में पारो जमाव बिंदु रे नीचे। मौसम महकमो कई छोरा माथे जताई बारिश और ओलावृष्टि री आशंका। इन रसाते आज रो यो समाचार बुलेटिन अठे पूरो यो। नमस्कार।